नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर रुचि कपूर है और मैं द कर्मा वेलफेयर सोसाइटी बरेली की अध्यक्षा हूँ। हमारा 74वां देश का गौरवान्वित करने वाला, हमारी सबको आज़ादी देने वाला जो राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, हम लोगों के लिए जो एक बहुत ही गौरव की और शौर्य की बात है। तो मैं सभी देशवासियों को, बरेली वासियों को अपने स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं और साथ के साथ ये दोबारा कहना चाहती हूं कि प्लीज़ घर पे रहिए, देशभक्ति का जज्बा दिल में होना चाहिए, क्राउडिंग ओवर क्राउडिंग प्लेसेस पे मत जाइए या भीड़ का जमावड़ा नहीं करिए, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करिए जब तक ये कोरोना महामारी हमारे देश से नहीं चली जाती। जान है तो जहान है। मेरा नाम अनमता जावेद है, मैं संस्कार किड्स किंगडम में पढ़ाती हूँ, वहाँ पे एक टीचर हूँ। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्वतंत्र दिवस हमें काफ़ी मेहनत के बाद हासिल हुई थी। काफ़ी शहीदों ने, काफ़ी माँ के लालों ने अपनी बलि दी थी, तब जाके हम स्वतंत्र हुए थे। इस साल का स्वतंत्र दिवस कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि ख़ास नहीं है, ख़ास तो सारे ही साल के स्वतंत्र दिवस होते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोग सब अपने घरों में कैद हुए बैठे हैं, कोरोना के गुलाम बने बैठे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि जल्दी हमें कोरोना से भी स्वतंत्रता मिलेगी और कोरोना के ख़िलाफ़ युद्ध में जो हमारे योद्धा लड़ रहे हैं वो जल्द ही इस जंग को फतेह करेंगे और वापस से हमारा देश स्वतंत्र होगा कोरोना से, जैसे कि आज से 74 साल पहले अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था। आप सभी को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी दुआ करती हूं, आप भी दुआ करें कि जल्दी से ये देश कोरोना से आज़ाद हो और वापस से हम अपनी ज़िंदगी जीने लगें। मैं अभय सिंह भटना का एडवोकेट, जैसा कि आज हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, ये स्वतंत्रता दिवस हमारे भारत को आज लगभग 74 वर्ष हो गए इसको आज़ादी प्राप्त किए हुए, ये हमें इतना आसानी से नहीं मिली। बहुत सारे क्रांतिकारी वीर जवानों ने अपनी आहुति देकर यह हमें आज़ादी प्राप्त हुई, क्योंकि भारत आज से 74 वर्ष पूर्व शुरू से ही गुलाम रहा, कभी मुगलकालीन का, उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन रहा, लेकिन आज भारत अपने दम पर खड़ा है। भारत का विश्व में किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में तीसरा और चौथा स्थान है। भारत ने चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो चाहे कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की है। आज ही के दिन विभिन्न विद्यालयों में कार्यक्रम होते थे बच्चों के, लेकिन अब की बार कोरोना संक्रमण के चलते हुए बहुत सारे विद्यालयों में ऐसा है कि बच्चे नहीं आ रहे, लेकिन स्टाफ आएगा और उसको स्वतंत्रता दिवस की अपनी औपचारिकताएँ पूर्ण करेगा। आज ही के दिन हमारे प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से, जो कि हमेशा अपना उद्बोधन देते थे, लेकिन अब की बार सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से वो अपने कार्यक्रम का उद्बोधन टीवी के माध्यम से देंगे और जो कि हमारे जन जन तक फैलेगा। हमारे प्रधानमंत्री इस समय बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं देश के लिए, जो कि देश का नाम इस समय बहुत ही उच्च श्रेणी के उच्च देशों में हमारा स्थान प्राप्त कर लिया है। और हमारे जहाँ तक देश का सवाल है, ये देश बहुत ही पिछड़ा हुआ था जब हमारा आज़ादी नहीं हुई थी, लेकिन भारत ने आज आत्मनिर्भरता करते हुए आज जगह जगह अपने देश हमारे खुद ही अपने पे निर्भर रहते हुए सब चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया, चाहे रक्षा विभाग हो चाहे किसी के क्षेत्र में हो। तो भारत ने आज जो तरक्की की है, इससे भारत का जो गौरव हासिल हुआ है, इसमें हमारी जनता और नागरिकों का बहुत बहुत सहयोग है। बहुत साइंटिस्ट, बहुत सारे शिक्षक जो कि बहुत ही योगदान देते हैं, तो उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज के स्वतंत्रता दिवस पर सबको, सब देशवासियों को, सब नागरिकों को, कि इसी तरह से हमारी राष्ट्रीय ध्वज फहराता रहे और हम ऐसी आज़ादी से अपने देश की ओर तरक्की करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम संभवशील एडवोकेट। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये राष्ट्रीय पर्व हमारा हर वर्ष समस्त देशवासी, पूरा देश बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाता है, क्योंकि एक ऐसा पर्व है जो हमारी राष्ट्र की अस्मिता, सुरक्षा, राष्ट्र की आज़ादी से जुड़ा है। और इतना बड़ा दिन जो हमें 1947 में प्राप्त हुआ, लाखों हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की वीरगति से, आखिरकार हमें उसका सम्मान करना भी चाहिए और हम लोग करते भी हैं। परंतु जैसा कि पिछले 6 माह से लगभग एक कोरोना का दौर चल रहा है, न केवल अपने देश में वरन पूरे राष्ट्र में, पूरे संसार में, तो ऐसे कोरोना काल में मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के ये विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जैसे पिछले 70 और 74 वर्षों से हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते आए हैं, ऐसे ही मन से, पूरे तन से, मन से, दिल से लगाकर हम लोग अपना राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय त्यौहार मनाएंगे। लेकिन कोरोना काल के कारण बेहद सीमित होते हुए आप लोगों से आग्रह है कि कृपया बड़ी संख्या में कहीं इकट्ठे ना हों, बड़े लोगों के साथ कहीं रहें ना,
अपने घर में अपने परिवार के साथ अपने शुभचिंतकों और मित्रों के साथ ही आप ये त्यौहार मनाएं। इसी के साथ मेरा एक बार पुनः सभी राष्ट्रवासियों को देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। हम जावेद नूरी और ये 15 अगस्त का त्यौहार हमने हमेशा कम से कम 55 तो मुझे याद होंगे क्योंकि 62-63 साल की मेरी उम्र है, लेकिन ऐसी 15 अगस्त कभी नहीं देखी, क्योंकि जिस हर्ष उल्लास के साथ हम हर साल 15 अगस्त मनाया करते थे कि तिरंगा लहराता था, जुलूस निकालते थे, खुशियाँ मनाते थे, बच्चे खेलते थे, इतना जश्न होता था। ये सारे त्योहारों से बड़ा त्यौहार है हम भारतीयों के लिए ये 15 अगस्त, जो कि अब कोरोना की वजह से हर तरफ से डर का और खौफ का माहौल है, जिससे स्कूलों को नहीं खोला गया और बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा है कि भाई कोरोना का ख़तरा है। तो जो मिठाइयाँ बटती थी, लोग आते थे, बड़े बड़े लोग इतिहास बताते थे 15 अगस्त की, जो शहादतें कैसे हुई और किस सूरत से हमें आज़ादी मिली। तो ये बड़ा अफसोसनाक इस साल का हमारा 15 अगस्त है, जिसकी हमारी सारी खुशियाँ धरी की धरी रह गई हैं। आप खुशियों से मनाएं या रंज से मनाएं, लेकिन